Exercise 3.4, question number first. Using elimination methods and substitution methods, we solve the equation first and second. Find the value of x and y. सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो हम 3.3 एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर चुके हैं. अब इसमें हमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वे यूज करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होती हैं, उसमें वेरिएबल होते हैं जो एक्स एंड वाई, ए बी सी कुछ भी हो सकता है. उनको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके सेम बनाते हैं और कुछ स्टेप में एक वेरिएबल को वो हम कैंसिल आउट कर देते हैं और दूसरे वेरिएबल की है वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द एलिमिनेशन मेथड. यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन फर्स्ट एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. ये गिवन है हमारे पास. इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन में 2x या y को 3y बनाने के लिए हम इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड या 3 से भी कर सकते हैं. तो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस में 2y, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10. अब ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन थर्ड. ऐड करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो हम यहां लिखेंगे We subtract equation second from equation third. Second हमारे पास ये है और third ये. तो third में से जब second को subtract करेंगे तो ये आएगा 2x minus में 3y equal to 4. ये हमारे पास subtract करेंगे तो sign है वो change हो जाएंगे minus प्लस माइनस. 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास. 2y प्लस में 3y इज 5y इक्वल टू 10 माइनस में 4 इज 6. y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम. y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 5 है, उसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो y की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 6 अपॉन में 5. y है 6 अपॉन में 5. ये हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू. अब हम इसकी वैल्यू पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगी. कौन सी भी इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं. यहाँ लिखेंगे हम वी पुट y इक्वल टू 6 अपॉन में 5 इन इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट. तो फर्स्ट में पुट करेंगे हम. फर्स्ट में हमारे पास x प्लस में y इक्वल टू 5 है तो y 6 अपॉन में 5 इक्वल टू 5. राइट साइड शिफ्ट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा साइन चेंज. एलसीएम लेंगे, एलसीएम अब वो हमारे पास आएगा इसमें 5. तो 25 माइनस में 6. 25 माइनस 6 इज इक्वल टू हमारे पास 15 माइनस 6 इज 9 एंड 1, 19 अपॉन में 5. तो जो x की वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 19 अपॉन 5 एंड y है वो आएगा हमारे पास 6 अपॉन में 5. ये वैल्यू हमारे पास आई है जब हमने इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया. अब हम इसको सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमारे पास x और y की है वो वैल्यू है वो सेम आएंगी, तब इस मीन्स हमारा क्वेश्चन हो जाएगा राइट. तो अब हम इसमें यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में
हमारे पास किसी भी एक इक्वेशन को लेके चलते हैं हम और वहां से दूसरे को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करके एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ लिखते हैं हम 19 अपॉन में 5 एंड वाई इज इक्वल टू 6 अपॉन में 5। ये हमारे पास आ जाएंगी इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वाई को शिफ्ट करेंगे राइट साइड तो 5 माइनस में 1। ये हमारे पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू। इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू पुट करेंगे एक्स की तो 2 इंटू एक्स, एक्स इज 5 माइनस में वाई, माइनस में 3y इक्वल टू 4, 2 से मल्टीप्लाई 10, माइनस में 2y, माइनस में 3y इक्वल टू 4, माइनस में 5y इक्वल टू 4, माइनस में 10, 5y इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ हमारे पास y है वो आ जाएगा 6 अपॉन में 5। 6 अपॉन में y वैल्यू पुट करेंगे हम y की इक्वेशन थर्ड में। पुट y इक्वल टू 6 अपॉन में 5 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू 5 माइनस में y, 6 अपॉन में 5। 5 इज एलसीएम 25 माइनस में 6 इक्वल टू 19 अपॉन में 5। इट्स मीन x की वैल्यू है वो आ जाएगी 19 अपॉन में 5, y की वैल्यू 6 अपॉन 5, x की वैल्यू 19 अपॉन 5। एलिमिनेशन मेथड से भी हमारे पास सेम वैल्यू आई थी। इट्स मीन्स हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड जब हमने यूज किया सेम वैल्यू आई है। इट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। सेकंड पार्ट है गिवन इक्वेशन 3x plus 4y equal to 10, 2x minus में 2y equal to 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में यूज करेंगे तो हमारे पास वही हमें किसी भी एक न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमें सेम बनाता है। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दिस एंड सेकंड है वो दिस। सेकंड इक्वेशन में से अगर हम देखें तो 2 है वो कॉमन है तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इक्वेशन आएगी x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इसको हम दे देंगे सेकंड इक्वेशन। अब हमें फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में किसी को भी एक का वेरिएबल इक्वल बनाना पड़ता है। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई 3 से करें तो 3x है वो कैंसिल हो जाएगा, अगर 4 से करेंगे तो y है वो कैंसिल हो जाएगा। तो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 4 वी गेट। हमारे पास जब हम इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वेशन थर्ड बन के आएगी वो आएगी हमारे पास 4x माइनस में 4y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हम पुट कर देंगे थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड में हमें मेथड यूज करेंगे या एडिशन या सब्ट्रैक्शन का और वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड ये हमारे पास फर्स्ट में लिखेंगे 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10। ये हमारे पास है फर्स्ट। ऐड करेंगे तो साइन है वो चेंज हमारे पास नहीं होंगे, ये माइनस ये प्लस, y वेरिएबल इज कैंसिल आउट। 7x इज इक्वल टू 14, 7 से डिवाइड करेंगे 14 को 2 टाइम्स पे तो x की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 2। x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी में भी पुट कर सकते हैं हम, सेम आना है। इन इक्वेशन सेकंड वी हैव, तो हमारे पास ये आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। सेकंड में पुट करेंगे हम
सेकेंड में पुट करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू वन, x x की वैल्यू इज टू, माइनस y इक्वल टू वन, माइनस y टू है उसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो y इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन से माइनस कैंसिल आउट तो y है वो हमारे पास आ जाएगा वन। तो जब एलिमिनेशन मेथड यूज किया तो हमारे पास x है वो टू आएगा, y है वो वन। सेकेंड मेथड अब यूज करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अब हम वैल्यू देखेंगे हमारे पास सेम आनी चाहिए, x की है वो टू आए और y की वैल्यू है वो हमारे पास आनी चाहिए वन। तो x इज टू एंड y इज वन। अब यूज करेंगे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास किसी भी एक इक्वेशन को लेके चलते हैं हम और उसमें से हम x और y की वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट से निकालते हैं, सेकंड से निकालेंगे तो भी हमारे पास सेम ही आंसर आना है, 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10। 3x 4y को शिफ्ट करेंगे हम राइट साइड, 4y x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 10 माइनस में 4y डिवाइडिंग बाय 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इक्वेशन थर्ड पुट करेंगे हम। अब x की वैल्यू हम अगर इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई हुई थी x माइनस वाई इक्वल टू वन, जब हमने टू है वो क्या कर लिया था, कॉमन लिया था। तो जब पुट करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी है, क्या आएगा हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू वन, एक्स इज टेन, माइनस में फोर वाई डिवाइडिंग बाई थ्री, माइनस वाई इक्वल टू वन। वाई के नीचे वन है वो डिनोमिनेटर, थ्री है वो एलसीएम लेंगे, यह आएगा टेन माइनस में फोर वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाके थ्री है वो क्या करेगा हमारे पास मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आएगा 10 माइनस में 7y इक्वल टू 3। 10 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, माइनस 7y 3 माइनस में 10, तो यहाँ हमारे पास आएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 7, माइनस से माइनस है वो कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। y की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे फ्रॉम थर्ड, तो हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 10 माइनस में 4, y इज 1 डिवाइडिंग बाय 3, यह आएगा 10 माइनस में 4 डिवाइडिंग बाय 3, 10 माइनस 4 इज 6 डिवाइडिंग बाय 3, 3 टू जा 6, तो x की वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 2। x इज 2 एंड y इज 1, जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट किया तब हमारे पास वैल्यू आई 1 और 2, और एलिमिनेशन मेथड से भी हमारे पास सेम आई। इट्स मीन हमने दोनों मेथड है वो यूज किए, वो राइट है हमारे, दैट्स इट।